हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं आज बात करूंगा कि सिस्टम में या डेस्कटॉप में आप कैसे स्क्रीनशॉट बड़ी आसानी से ले सकते हैं। जिस प्रकार आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वैसे ही हम डेस्कटॉप में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे कीबोर्ड से भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको पूरा फुल डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे कि अगर मुझे केवल यहाँ तक ही स्क्रीनशॉट अगर लेना है, तो हम कीबोर्ड की हेल्प से ये नहीं हम कर सकते हैं। चाहे हम इस कोना के लिए, चाहे इस कोना के लिए, चाहे इस कोना के लिए, कीबोर्ड की हेल्प से हम ये नहीं कर सकते हैं जैसे हम मोबाइल में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस ट्रिक में आपको बताएँगे कि कैसे आप बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस ट्रिक के लिए आपके पास विंडो 10 वर्जन होने चाहिए। तो आइए, ये हमारा विंडो 10 है, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको विंडो में जाना है और आपको टाइप करना है स्निपिंग। तो ये हमारा ओपन हो गया स्निपिंग टूल्स, इसको आप ओपन कर लें और आपका यहाँ ये ओपन हो गया। तो आप जैसे यहाँ पे दिख रहा है न्यू में आपको क्लिक करना है। तो न्यू मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ अपना माउस छोड़ूंगा, ये ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो मैं इसे मेकअप में लाता हूँ। उसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन देगा, आपको सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ ABC और इंटर, ये मेरा सेव हो गया। तो मैं दिखाता हूँ मैंने जो सेव किया था ABC यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। जैसे मैं आगे करके दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट एक और करके, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मुझे यहाँ का लेना है, इस जगह का लेना है, तो फिर से मैं वही टाइप करता हूँ। ये मेरे सामने आ गया फिर से, जैसे मुझे लेना है केवल यहाँ का। फिर से करके दिखाना पड़ेगा। केवल को यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा है स्क्रीनशॉट आ चुका है यहाँ का। तो मैं इसे सेव कर लूँगा, फिर से सेव, फिर पूरा कट कर लेना जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में सीखा कि आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी कोना का या पूरा फुल डेस्कटॉप का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगा।